प्रदेश में सरकार बदलने के बावजूद जनता को राहत नहीं मिली है। कांग्रेस सरकार के राज में कुछ नेताओं का तो कुछ नेताओं के रिश्तेदारों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है और ऐसा ही मामला इंदौर में देखने को मिला है, जहां एक दुकान पर कब्जे को लेकर एक व्यापारी संघ के सचिव ने सीएम सहित कई नेताओं को ट्वीट कर मदद मांगी है। कांग्रेस सरकार के नाम पर रिश्तेदार कर रहे मौज। कांग्रेस की सरकार बनते ही राजेंद्र वीच ने दुकान का किराया देना किया बंद। कांग्रेस नेता सुरजीत सिंह चड्ढा के रिश्तेदार राजेंद्र वीच ने दिया बयान। अब कांग्रेस सरकार आ गई है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राजेंद्र वीच। व्यापारी ने ट्वीट के साथ सुरजीत सिंह चड्ढा और राजेंद्र वीच का लगाया फोटो। व्यापारी संघ के सचिव संजय सिंह मंडे का आरोप है कि उनकी दुकान पर कांग्रेस नेता सुरजीत सिंह चड्ढा के आदमी द्वारा कब्जा कर लिया है। वहीं किराए लेने की बात पर राजेंद्र वीच कांग्रेस नेता सुरजीत सिंह चड्ढा और कांग्रेस सरकार के नाम पर धमकाने लगे और कहने लगे, अब कांग्रेस सरकार आ गई है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एसएसपी दफ्तर और सेंट्रल कोतवाली पुलिस को देवी अहिल्या साउंड एंड लाइट विक्रेता संघ के सचिव संजय सिंह मंडे ने शिकायत की है कि महारानी रोड पर उनकी दुकान में राजेंद्र वीच ने कब्जा कर लिया है। राजेंद्र संजय का रिश्तेदार है, इसलिए उसे व्यापार करने के लिए दुकान किराए पर दी थी। करार के अनुसार कुछ समय तक वीच ने किराया दिया है, जिसके बाद जनवरी 2019 से किराया देना बंद कर दिया है। संजय का आरोप है कि उन्हें धमकाया है और कहा है कि मेरा मोसेरा भाई कांग्रेस नेता सुरजीत सिंह चड्ढा है, अब उनकी सरकार है, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संजय ने बताया कि उन्होंने सुरजीत से भी मुलाकात की, लेकिन उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उधर राजेंद्र वीच ने थाने पर बयान दिया है कि 2015 से नियमित किराएदार हूँ, आए दिन किराया देता हूँ, इसके पहले एग्रीमेंट उसके पास है। अब संजय मंडे उससे दुकान क्यों खाली करवाना चाहते हैं ये पता नहीं। मामले में कांग्रेस नेता सुरजीत चड्ढा का बयान अभी नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।